हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने प्यारे चैनल मोटर जोन पे और मैं हूँ आपका साथी संजीव स्वामी। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं गाड़ी की लाइटों के बारे में। गाड़ी के अंदर बहुत सारी लाइटें आपको देखने को मिल जाएगी, जैसे इसके अंदर बहुत तीन चार लाइटें यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, आगे भी आपको जो है कई लाइटें देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों, उसका सही यूज़ क्या होता है? एक लाइट का मल्टीपल यूज़ होता है, मल्टीपर्पज़ के लिए लाइटें बनाई गई है, तो उनका सही यूज़ क्या है, कौन सा बटन से क्या काम होता है, बटन्स जो लाइट के कंट्रोल्स दिए गए हैं, तो बटन्स जो लाइट्स के कंट्रोल्स या बटन्स दिए गए हैं उनसे लाइट्स को कैसे कंट्रोल किया जाता है, किस टाइम पे कौन सी लाइट जलती है। जैसे किसी को लेन चेंज करनी है तो कैसे इंडिकेटर की लाइट ऑन करेंगे, जनरली क्या करते हैं, लेन चेंज करनी है तो इंडिकेटर जला देते हैं, डीपर देना है तो कैसे दिया जाए, हाई बीम लो बीम, तो ये सारी चीज़ें हम जो है गाड़ी के बारे में, लाइटों के बारे में जो आज इस वीडियो में जानने वाले। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, आप वीडियो को एंड तक देखना, और दोस्तों चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और दोस्तों, इसके अंदर मैंने और भी कई वीडियोज़ बना रखी है, जैसे डिफोगर, ये जो लाइनें देख रहे हैं इनका क्या प्रॉपर यूज़ होता है, डिफोगर कैसे यूज़ किया जाता है, वाइपर के कंट्रोल्स का प्रॉपर कैसे यूज़ होता है, वाइपर को कैसे जो है प्रॉपर तरीके से कंट्रोल किया जाता है, वो भी आप जो वीडियोज प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। ये स्टार्ट करते हैं, आइए आपको मैं गाड़ी के उसमें लेके चल रहा हूँ, आइए। तो देखिए दोस्तों, आपको मैं दिखाता हूँ, इसके अंदर होते हैं ये कंट्रोल, इधर होता है लाइट्स का और इधर होता है वाइपर का कंट्रोल, और इधर होता है ये हज़ार लाइट्स के बटन्स होते हैं। तो दोस्तों, जनरली क्या होता है, इस साइड में ही आपको जो है वाइपर लाइट्स के कंट्रोल दिए जाते हैं, कुछ गाड़ियों में इधर साइड के अंदर भी होते हैं, मतलब ये उल्टे हो जाते हैं, इधर वाइपर के कंट्रोल हो जाते हैं, इधर लाइट के कंट्रोल हो जाते हैं। तो आज जो हम इसके बारे में बात करने वाले हैं, इससे आपको जो है दोस्तों सारी चीज़ें जो है आपको डिटेल में मिल जाएगी कि आप जो है लाइट्स का कंट्रोल कैसे कर सकते हो, कौन कौन सी लाइटें आपकी जलती है, क्या क्या जाते हैं, ये है इसका भी क्या यूज है एक्चुअल में, ये भी बहुत सारे बंदों को नहीं पता होता। तो ये जो वीडियो है उन बंदों के लिए है, उन बुजुर्गों के लिए है, या फिर उन बंदों के लिए है जो लाइट्स के बारे में प्रॉपर नॉलेज लेना चाहते हैं। तो वीडियो को आप एंड तक देख लेना। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, इसके लाइट्स के अंदर ये कंट्रोल आता है, इसके ऊपर जो है आपको ये साइन दिया हुआ मिल रहा है, इधर इधर साइन का ऑफ है, ये लाइट है, फिर ये ऑफ है, ये है, ये है, इधर भी एक साइन जो आपको दिया हुआ है और इधर भी एक साइन दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिए इसके अंदर आता है हमारे पास लाइट्स ऑन का, ये जो एरो का साइन देख रहे हो ना आप, उम्मीद है कैमरे में क्लियर आ रहा है, ये जो एरो का साइन, इसको जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे हमारे पास, देखिए अब क्लियरिटी आपको क्लियर आ रहा है, इधर भी क्लियरिटी है, इधर भी क्लियरिटी है, बट मैं जैसे ही इसको ऐसे करता हूँ ये डिम हो गया, और ये भी है कैमरे में शायद ये डिम नहीं दिखेगा, बट ये डिम हो गया, और इधर की भी लाइट डिम हो गई है, और इधर ऊपर आपको आगे है ये साइन। ये क्या होता है, जो पहले इसको ऑन करते हैं ना, इससे होता है हमारा पार्किंग लाइट ऑन होती है, ठीक है ना। तो सबसे पहले जब हम करते हैं इसको, इससे होती है पार्किंग लाइट जो है ऑन हो जाती है, जो छोटा सा बल्ब आपको देखने को मिलता है। इसके अंदर गाड़ी के अंदर क्या है, पार्किंग लाइट है, वो हमारे जो DRLs दिए हुए हैं उसके साथ ही इनबिल्ट होती है, तो जैसे ही हम पार्किंग लाइट ऑन करेंगे DRL है वो थोड़े डिम हो जाएंगे और पार्किंग लाइट के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। ये पार्किंग लाइट है, ये थी पार्किंग के लिए, मैंने आपको बता दी ये पार्किंग के लिए। इसके बाद में ये है हमारी मेन हेडलाइट यूनिट, जो मेन हेडलाइट है, इसको जैसे ही हम करेंगे ये अभी जो है लो बीम पे आपकी जगह भी मिलेगी कि लो बीम पे ये जो है हेडलाइट यूनिट जलेगी, बट यहाँ पे कोई साइन नहीं है। बट जब भी जैसे ही मैं इसको थोड़ा सा नीचे करूँगा आप देखोगे यहाँ पे साइन आ गया, ये है हाई बीम के लिए। लो बीम आपका हो गया कि आपको पास का देखना है या उसके आसपास का एरिया देखना है, हाई बीम हो गया आपको लॉन्ग थ्रो जाता है हाई बीम, बट हाई बीम आप तभी यूज करोगे जब आपका आप कहीं हाईवे पे सुनसान एरिया में जा रहे हो। हाई बीम से क्या होता है, सामने वाले की आंखों में पड़ती है लाइटें, तो हाई बीम का आप उसी कंडीशन पे यूज कीजिए जिसमें आपको अकेले हाईवे पे चल रहे हो नाइट को, या फिर कोई सुनसान एरिया में चल रहे हो उस समय कहीं जानवर वगैरह नहीं आए, इसलिए आप हाई बीम का यूज कर सकते हो, अदरवाइज हाई बीम को अवॉइड कीजिए। और जो सिटी का ट्रैफिक होता है उसके अंदर आप जो है लो बीम पे ही चलना होता है, ठीक है। और अगर आपको मान लो डीपर देना है तो आपको कैसे भी इसको ऊपर नीचे ऐसे नहीं करना है कि आपने ऐसे कर दिया, अगर आपको कहीं डीपर देना है तो आप सीधा स्टेयरिंग के ऊपर यहाँ पे हाथ रखिए और इसको ऐसे कीजिए, देख रहे हो आप, ठीक है ना। तो इससे आपका जो है डिपर होता है, डिपर मतलब पास करना किसी को, सामने से कोई मान लो सामने आ रही है, आगे गाड़ी जा रही है, उसको मुझे साइड मांगनी है, तो हॉर्न को अवॉइड करके आप डिपर का यूज करो, और डिपर है आप ऐसे डिपर दे सकते हो। तो ये हो गया आपका पार्किंग लाइट ऑफ, और ये आपका पार्किंग लाइट, और ये मेन हेडलाइट यूनिट, जिसको आप हाई बीम में करना है तो नीचे कर दो और इधर करना है तो इधर कर दो। इसके अंदर एक आता है ऑटो का ऑप्शन आता है, जिसको आप ऑटोमेटिक पे सेट कर दोगे तो आपकी जो है जैसे ही अंधेरा होगा आपकी लाइटें हैं वो ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगी। और इसके बाद भी आता है दोस्तों इधर एक और चीज़ है फॉग लैंप के लिए। फॉग लैंप के लिए कुछ के अंदर बटन इधर दिया होता है, कुछ के अंदर नीचे आपका बटन दिया होता है, तो इसमें जो है फॉग लैंप का यहाँ पे बटन है, फॉग लैंप ऑन है ऑफ है, ये फॉग लैंप ऑन कर दो इसको,
ठीक है। तो आप जैसे ही, अब मैं क्या करता हूँ, ऑलवेज फोक लैंप को ऑन रखता हूँ। जैसे ही मैंने लो बीम पे लगाया, मेरे मतलब मैंने जैसे ही हेडलाइट यूनिट ऑन की, मेरा जो है फोक लैंप ऑन हो जाता है। ये देख रहे हो, ये फोक लैंप का साइन, आप देख रहे हो ये फोक लैंप का साइन होता है। इसमें ये फोक लैंप का साइन है, ये हाई बीम का साइन है। ब्लू वाला हाई बीम का है, बीच वाला जो है पार्किंग लाइट का है। ये देखो पार्किंग लाइट, पार्किंग लाइट के साथ जैसे ही ऑन होगा फोक लैंप ऑन हो जाएगा। और ये अपना हाई बीम का ऑप्शंस इसके अंदर दिए हुए हैं, जो सामने साइंस में दिखा रहा हूँ आपको। तो इसके अंदर मैंने आपको बता दिया फोक लैंप का भी ये ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद में आता है दोस्तों, इसके अंदर एक आता है हेडलाइट यूनिट को सेट कैसे करें। जैसे ये हेडलाइट यूनिट का लेवलर है, आपको यहाँ पे दिया जाता है, देख रहे हो। अब क्या होता है, ये जैसे ये हेडलाइट यूनिट करते हैं तो ये ऑन, लाइट ऑन हो जाती है इसके अंदर। और इसका लेवलर होता है जैसे जीरो, जीरो का मतलब हो गया लॉन्गेस्ट विजिबिलिटी आपको जो है देखने को मिल जाती है। आप हाईवे वगैरह पर ड्राइव करते हो, नॉर्मल खाली सड़कें हैं, तो आप जीरो पे रखो। जीरो से आपको जितनी लॉन्ग हो सकती है उतनी लंबी विजिबिलिटी मिलेगी, लो बीम और हाई बीम लोगों के लिए। आप वन पे करो, टू पे करो, टू पे आप टू या थ्री पे करोगे। आप जैसे मान लो आपके खड्डे में चल रहे हो, आप ऊबड़ खाबड़ रास्तों में, गांव के रास्ते में चल रहे हो, तो आपको थ्री पे आप इसको कर लो। थ्री पे करके रखोगे तो आपको विजिबिलिटी एकदम बिल्कुल पास की गाड़ी की, जैसे लाइट के आगे की जो जस्ट आगे की विजिबिलिटी है वो आपको दिखेगी। और जीरो पे करके रखोगे तो आपको हेडलाइट यूनिट का जो लाइट है वो लंबे थ्रो पे जाएगी, पास की नहीं पड़ लिखेगी। तो मैं जनरली इसको टू पे करके रखता हूँ, और बाकी अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट इसको हम चेंज करते रहते हैं। कि अगर हम मुझे गड्ढे वाली सड़कों पे जा रहे हैं तो मैं थ्री पे कर लेता हूँ, और हाईवे पे जा रहे हैं तो जीरो पे कर लेते हैं। ये हो गया इसका हाई लेवलर का। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो लेवलर वाली चीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों। इसके बाद में आते हैं हम इसके जो आता है अपना इंडिकेटर, देखो ये जगह। बट होता क्या है, इसको भी सही तरीके से यूज नहीं कर पाते हैं। इसके अंदर होता क्या है, लेन चेंज इंडिकेटर होता है एक होता है आपका टर्निंग इंडिकेटर। तो सबसे पहले बात करते हैं, जैसे मैं गाड़ी चल रही है अपनी और चलते चलते मुझे आगे से ओवरटेक करते हुए लेन चेंज करनी है, तो मैं इसको एक बार प्रेस करूँगा, तीन बार क्लिक होगा। दोबारा करता हूँ मैं, हल्का सा किया, एक दो तीन बार, ठीक है ना। इंडिकेटर जले, साइड के इंडिकेटर जला जिस साइड में मुझे टर्न करना है, बट ये सिर्फ और सिर्फ तीन बार ही होगा। इसको आपको हल्का सा अप या डाउन जिस साइड में आपको टर्न होना है, जैसे मैंने कर दिया, देख रहे हो तीन ही बार हुआ। तो ये होता है लेन चेंज इंडिकेटर, इसको बहुत बढ़िया तरीके से यूज करो। ऐसे नहीं कि मैंने इसको एक से करके छोड़ दिया, ठीक है ना। लेन चेंज इंडिकेटर हल्का सा ऐसे किया और अपना तीन बार जला, और उसके बाद में ऑटोमेटिक बंद हो गया। तो ये है लेन चेंज इंडिकेटर, जो बहुत काम की चीज़ है। इसके अलावा आता है इसके अंदर इंडिकेटर, जैसे ही हमें टर्न करना होता है तो इंडिकेटर देखो जिस साइड में हमें टर्न करना है उस साइड में हम करेंगे तो ये ऑटोमेटिक वापस, जैसे स्टेयरिंग टर्न करके और मुड़ेंगे तो अपने आप बंद हो जाएगा। तो ये होता है इंडिकेटर, जिसको हम वापस मुड़ा स्टेयरिंग, और ये मतलब एक बार टर्न कर लिया सीधा करेंगे तो स्टेयरिंग ऑटोमेटिक ये जो है हमारा इंडिकेटर ऑफ हो जाएगा। बट जो लेन चेंज वाला है वो ऑटोमेटिक थ्री बार ब्लिंक करेगा और उसके बाद में ऑफ हो जाएगा। तो दोस्तों ये बहुत काम की चीज़ थी, अगर आपको नहीं पता है तो कमेंट करके जरूर बताना, और पता था तो अच्छी बात है। उसके बाद में आता है दोस्तों इसके अंदर ये वाला बटन, हजार लाइट का ये एरो का साइन देख रहे हो, ये वाला बटन आता है कईयों में, यहाँ पे आ जाता है ये बटन, और कईयों में गाड़ियों में यहाँ पे आ जाता है। तो इसका यूज भी बहुत सारे मैंने देखा है, लोगों को नहीं पता होता। क्या होता है जनरली, जैसे किसी टनल वगैरह में गाड़ी एंटर की और हजार लाइट ऑन करके छोड़ दिया, तो वो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। क्योंकि इसका मतलब ये नहीं कि अंधेरा हो गया तो हजार लाइट ऑन करो, जहाँ पे भी अंधेरा है आप फोक लैंप यूज करो और आपका हेडलाइट यूनिट यूज करो, हजार लाइट यूज मत करो, हजार लाइट टुक 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 करने लग जाते हैं। या फिर दोस्तों क्या करते हैं, जनरली फोक जैसे थोड़ी सी फोक वगैरह होने लगी या फिर बारिश होने लगी तो हजार लाइट ऑन कर दी, चारों इंडिकेटर देख रहे हो, चारों इंडिकेटर इससे जलने लग जाते हैं, ठीक है। तो हजार लाइट ऑन नहीं करनी होती, हजार लाइट्स ऑन करना, आपको कहीं पे भी टनल में जा रहे हो तो हजार लाइट्स कभी ऑन मत करो। अगर आप फोग या फिर बारिश आने लग जाए तो हजार लाइट मत ऑन करो, इसको देख के ट्रकों वालों को देख के टर्न 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 करने लग जाता है, ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रहे हो। और कहीं पुलिस वाले मिल जाएगा ना, डेफिनेटली चलान काट दे। हजार लाइट का ये यूज होता है अगर आपकी कहीं गाड़ी ब्रेकडाउन हो गई है, गाड़ी पंचर हो गई, आपको साइड में लगानी है, खड़ी करनी है, ब्रेकडाउन हो गई, तब ये हजार लाइट का यूज किया जाता है। इसका प्रॉपर तरीके से यूज करना सीखो, बहुत कहीं मुसीबत में आप फंस जाओगे, चलान पुलिस वाले तुरंत चलान काटने लग गए आजकल इसके ऊपर भी, हजार लाइट को देखते हुए। तो ये चीज़ हजार लाइट का बहुत सही तरीके, ये होता है क्या जनरली जैसे कुछ गाड़ियों में वो भी आता है, जैसे पंचर होता है तो एक हजार वाला साइन आता है जो आप पीछे लगा के रखते हो, तो वो उसके वो भी ऐसे ही लिए होता है कि भाई गाड़ी
के अंदर इमरजेंसी ब्रेक डाउन हो, इससे थोड़ा सा साइड में होके चले, तो इसलिए इसका यूज किया जाता है हजार लाइट का, जिसमें आपको चारों आगे और पीछे के इंडिकेटर जलने लग जाते हैं। कुछ गाड़ियों में आपने देखा होगा जैसे ही गाड़ी कहीं पे भी एक्सीडेंट होती है या कहीं पे टकराती है, तुरंत टकराते ही इसके अंदर हजार लाइट्स ऑन हो जाती है। वो होती है सेफ्टी फीचर की, भैया आपकी गाड़ी टकरा गई, अब पीछे से कोई गाड़ी हो रहा है तो वो ध्यान रखे। या फिर कुछ गाड़ियों में देखा होगा जैसे ही आगे का फ्रंट का बोनेट जो ओपन करते हैं ना, ओपन करते ही हजार लाइट यूज हो जाती है, मतलब उसका मतलब होता है कि आपकी हजार लाइट्स है वो किसी गाड़ी है वो कोई इमरजेंसी में कोई ब्रेक डाउन हुआ है, उसलिए इस चीज़ का यूज़ किया जाता है। न कि आपने टनल आई या फोग, थोड़ा सा फोग वगैरह पड़ने लगा उसके अंदर कंडीशन में आपने इसको यूज कर लिया, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं। तो दोस्तों ये था पूरा लाइट का कंट्रोल। इसके अलावा एक लाइट ये भी आती है गाड़ी के अंदर, दिखा देता हूँ मैं, ये होती है आपको ऑन करके रखनी है उसके लिए होती है, और ये होती है इधर आप जो है बंद, और ये होती है डोर के ऊपर। जैसे मैंने डोर ओपन करूंगा अभी, देखो ऑन हो गई, ये कुछ देर बाद में बंद हो जाएगी, और इसमें मैं कर दूंगा तो अब ये कैसे ही ऑन नहीं होगी, आप देख लो, ठीक है। और ये हो गई, इसके अंदर कुछ भी देखना है तो ये हो गई, ठीक है। तो इसको मैं हमेशा ऑलवेज ट्राई करो कि इसको ऐसे करके रखो, अगर इमरजेंसी है तो इसको ऑन कर लो, नहीं तो ऑफ का भी मत करो। तो गाड़ी के अंदर ये लाइटें, अब मैं आपको जो है गाड़ी की लाइटें जो बाहर क्या क्या लाइटें वो एक बार ऑन करके दिखा देता हूँ सारी किससे क्या होती है, तो वो आप देख लो। तो आप देखो DRL ऑन करना एक बार, ये देखो DRL जल गए आप देख रहे हो। अब पार्किंग लाइट ऑन करो, DRL बंद कर, ब्रेक लगाना हैंड ब्रेक, अब हैंड ब्रेक लगा दी, अब पार्किंग लाइट ऑन करना, ये देखो ये पार्किंग लाइट है वो DRL के अंदर ही इंक्लूड है, ठीक है। और अब वो करना हेडलैम्प ऑन करना लो बीम पे, ये देखो लो बीम हेडलैम्प, ये जो बल्ब होते हैं ये लो बीम पे काम करता है, इसको आई बीम करना एक बार, और यही आई बीम पे काम करते हैं। अब इसकी फॉग लैंप दबाओ जगाना, ये देखो नीचे फॉग लैंप है, प्रोजेक्टर फॉग लैंप है, हेलोजन इसमें ये दिए गए। अभी मैं पीछे की साइड में और जाता हूँ, एक बार हम पीछे की लाइटें और दिखा देते हैं। बैक करोगे पहले लाइट ऑन करना, देखो अभी कुछ भी नहीं दिख रहा आपको, एक बार वो करना ब्रेक लगाना, ये देखो ब्रेक लगाओगे तो आपको ये चारों लाइट और ये हाई माउंट स्टॉप लैंप जो दिया होता है, पीछे की कोई गाड़ी आती है उसके दिख जाए उससे कि भाई किसी की हाइट के ऊपर दिख जाए, नीचे वाली लाइट नहीं दिखे तो ऊपर वाली दिख जाए। रिवर्स गियर डालना, ये देखो रिवर्स गियर डालोगे तो ये वाली लाइटें जलेगी। और एक बार हेडलाइट ऑन करना, इसके अंदर ऑल टाइम ऑन पे ये लाइट है वो ऑल टाइम ऑन पे लेती है। अब टर्न इंडिकेटर ऑन करो या हजार लाइट ऑन करो, ये देखो ये है टर्न इंडिकेटर, दो अलग अलग तरीके से काम आते हैं, लेन चेंज के लिए भी काम आते हैं और हजार्ड के लिए भी काम आते हैं। मैं एक बार आगे से भी दिखा देता हूँ, ये देखिए ये है देख लो, चारों इस पर ORBM PO भी होते हैं, आगे भी होते हैं और पीछे भी होते हैं, ऐसे कुछ करके इनका लाइट्स का सेटअप है। तो दोस्तों ये था फुल लाइट के ऊपर वीडियो जो मैंने आपको दिखा दिया, इसके अंदर क्या क्या कितनी लाइटें आती हैं, किस प्रकार से इनका वर्किंग होती है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना, और दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और दोस्तों इसके अंदर मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियोज़ बना रखे हैं, एसी से रिलेटेड वीडियो है वो जाके देख सकते हो आप, और इसके अंदर डिफोगर वाइपर वाले वीडियोज़ हैं वो भी आप जाके देख सकते हो, आपको बहुत से इन्फॉर्मेशन इसके अंदर मिलने वाली है। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद, थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।